हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आंध्रा T20 प्रीमियर लीग की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर कोस्टल राइडर्स और बेजवंडा टाइगर्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर करते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट सोच रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देखते हैं और लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम भी देखते हैं कि कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ और भी कई सारी T20 और T20s वगैरह चल रही है, सारे अच्छे टूर्नामेंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, क्योंकि यहां पर आपको वीडियो की अपडेट मिलेगी, इसके साथ साथ लाइनअप की अपडेट मिलेगी, इसके साथ साथ जो प्लेयर आखिर में ऐड होते हैं, जो भी चेंजेस वगैरह होता है, वो सारा कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो टीम रहेगी वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। बात करते हैं इस मैच की, तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 2 बजे डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA BDCA क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जहां पर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है, और रन्स की बात की जाए तो यहाँ पर रन्स आराम से अच्छे बनते हैं। देखो 150 के प्लस मैंने मेंशन किया है और आराम से इसके आसपास जैसे आपको रन्स बनते हुए दिखेंगे। चेजिंग की बात की जाए तो ज़्यादातर चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, तो टीम टॉस जीतकर पहले चेज करना पसंद कर सकती है, और आई थिंक अभी तक का देखा गया यहाँ पर टीम ने टॉस जीतकर ज़्यादातर यहाँ पर चेज करना ही पसंद किया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग टीम CSR की, जो कि 2 मैच के लिए दोनों की दोनों हार कर आ जाइए। अगर इनको टिका रहना है इस टूर्नामेंट में तो इनको ये मैच जीतना काफ़ी अनिवार्य होने वाला है, पूरी कोशिश रहेगी इनकी। हालांकि कुछ बड़े नाम भी है इस टीम में, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इनकी टीम से अभी तक एक भी जीत हासिल की नहीं है। ओपनिंग में यहाँ पर शेख राशिद और इनके साथ यहाँ पर पिता अर्जुन तेंदुलकर ओपनिंग में आए थे। अभी देखो शेख राशिद की बात की जाए तो अभी तक दोनों ही मैच के हमारी टीम के कप्तान हैं, जहाँ पर पहली मैच के अंदर 87 किए थे, दूसरी मैच के अंदर ये सिर्फ 13 पे आउट हुए, और आगे भी इस मैच में भी मेरे लिए कप्तान और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगी। बड़ा नाम यहाँ पर, बड़े लेवल पर खेला हुआ प्लेयर है। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पिता अर्जुन तेंदुलकर की, ये पहली मैच नहीं खेले थे लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जरूर कि ये खेलेंगे, और खेलेंगे तो सीधा ओपनिंग ही करवाएंगे। इन्होंने ओपनिंग करवाई जहाँ पर ये 1 रन ही बना पाए, बाकी पिछली टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने कंसिस्टेंट ओपनिंग करवाई थी जहाँ पर 29-30-47 जैसे रन्स किए थे इन्होंने, तो भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर दिलासा रेड्डी ने अभी तक दिलासा ही दिया है, दिलासा ने दिया दिलासा, दोनों मैच के अंदर 0 पे आउट हुए, ओवरऑल 98 मैच में करीब 38 की एवरेज से 3200 से ज़्यादा रन है। चाहो तो एक रिस्क ले सकते हो, बंदा तीसरे नंबर पर खेल रहा है और ओवरऑल इनके परफॉर्मेंस की भी ओवरऑल आंकड़े भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अभिषेक रेड्डी अभी तक दोनों ही मैच के अंदर हमारी टीम में खेलने के लिए रेडी रहे, हमने इनको दोनों ही टीम के अंदर हमारी टीम का हिस्सा बनाया तो हम लोग आगे भी लेके जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर ई धरणी कुमार, इनसे एक्सपेक्टेशन थी कि ये ओपनिंग में आएंगे लेकिन वे थोड़े से नीचे खेले, इनको डिफरेंशियल में ले सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मडिला हर्षवर्धन की, जो कि लास्ट मैच के अंदर 18 करते हैं, पहली मैच के अंदर 5 करते हैं। बाकी रिसेंटली पिछली बार की बात की जाए तो इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर रहा था, कुछ मैचेस के अंदर बैटिंग नहीं आई थी, कुछ मैचेस के अंदर ये टॉप में खेले थे, लेकिन जहाँ जहाँ इनको मौका मिला था वहाँ पर 32-47-35-50 जैसे स्कोर किए थे। ओवरऑल देखो 49 मैच में करीब 31 की एवरेज से 1100 से ज़्यादा रन है, मिडल ऑर्डर्स का प्लेयर है, आपको मिडल्स में खेलता हुआ दिखेगा। आगे ऐसे बात करते हैं नरसिम्हा राजू के दिखे थे लास्ट मैच के अंदर, एक विकेट निकाला था इनका, पिछला टूर्नामेंट ठीक ठाक रहा था, कोई चॉइस नहीं मिले तो ले सकते। इसके साथ यहाँ पर लेखज रेड्डी जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, 24 रन किए इन्होंने लेकिन काफ़ी नीचे खेलते हैं, 8वें नंबर पर खेलते हैं। पिछली बार इन्होंने इनका कुछ ऐसा ही हुआ था, देखो 2 बार बैटिंग नहीं आई थी और बहुत नीचे खेलते हैं, लेकिन कुछ मैचेस के अंदर ही भाई साहब ने आखिर में यहाँ पर ओपनिंग भी करवाई थी तो टॉप में भी खेल सकता है, ध्यान में रखिएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन से कोई चॉइस नहीं मिले तो आप लोग इनको ले सकते हैं। शेख अब्दुल्ला ने पहली मैच के अंदर 1 विकेट निकाला था, दूसरी मैच के अंदर विकेट लेस रहे। इसके साथ यहाँ पर ये जो गेंदबाज है यहाँ पर आशीष सिरा पर आपू आशीष, जो कि पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट लेस रहे, अभी इनसे एक्सेप्टेशन थी हमारी क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, ओवरऑल मतलब इनसे एक्सेप्टेशन थी। देखो पिछली बार दो बार दो विकेट निकाले थे, चाहो तो ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर प्रमोद, इनको हम लोग नहीं करेंगे प्रमोट, लास्ट में क्या विकेट ले सर, ओवरऑल देखो प्लेयर अच्छा है। तो आशीष या सिरपरू, इन दोनों में प्रमोद या
आशीष इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, बाकी स्टीफन एक बार फिर से मेरे लिए इंपॉर्टेंस रहेंगे। लास्ट दोनों मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया, इवन लास्ट मैच में हमारी टीम के ये वाइस कप्तान थे स्टीफन, बहुत ही तगड़ा लॉस करवाया है, लेकिन कोई बात नहीं, भरोसा कर सकते हैं हम लोग एक बार फिर से, क्योंकि ये डेथ में दिखेगा। स्टार्टिंग में अपन स्टीफन और आशीष, डेथ हाउस में अपन अब्दुल्ला और आशीष, इसके अलावा बेंच में से कोई खेलेगा तो इनके रिकॉर्ड और इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहेंगे कार्तिक रमन, अगर खेलते तो आपकी टीम का हिस्सा होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम BZW की, जो कि एक मैच हार करा रही है। ओपनिंग में यहाँ पर मुनांगी अभिनव और महीप कुमार ने ओपनिंग करवाया था और दोनों से एक्सेप्टेशन थी, लेकिन दोनों ही यहाँ से फेल रहे थे। मतलब समझ लो ना, यहाँ से इनका जो टॉप ऑर्डर था, टॉप ऑर्डर पूरा यहाँ पर फेल रहा था। बाकी अभिनव और महीप कुमार, खासतौर पर यहाँ पर महीप कुमार को तो आप लोग एज अ प्लेयर के साथ कप्तान वाइस कप्तान भी कर सकते हैं, तो इनको खास ध्यान में रखिएगा। ध्रुव रेड्डी को आप लोग डिफरेंशियल में ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक इन दोनों को सजेस्ट करूंगा। इसके साथ रिकी वही इंपॉर्टेंस रहेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लोग इनको लेके जाएंगे, जहाँ पर इन्होंने 16 रन किए। अनुभवी प्लेयर हैं, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स के साथ खेला हुआ है, इवन IPL में खेला हुआ प्लेयर है यहाँ पर रिकी भुई। और रिसेंटली फॉर्म देखो आप लोग इनका, डोमेस्टिक लेवल का काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म है, 104, 223, 88, 41 जैसे परफॉर्मेंस है इनके, तो भरोसा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर रिकी भुई के ऊपर। इसके साथ गोलामरू वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पर इस प्लेयर को। और इसके साथ यहाँ पर पायला अविनाश, जो कि लास्ट मैच के अंदर 23 रन करते, ओवरऑल 106 मैच में करीब 32 के वजह से 2600 से ज़्यादा रन है, 41 विकेट निकाली उस दौरान। इसके साथ KP राहुल को आप लोग डिफरेंशियल में ले सकते हैं, लास्ट मैच के अंदर हालांकि इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से एडवांटेज दिया था। अभी देखो पायला अविनाश है ना, वैसे ये ओपनर बल्लेबाज है, यहाँ पर मैंने इनका बैटिंग ऑर्डर भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर मिडल्स में खेले थे, तो टॉप में खेलेंगे तो रन्स कर सकते हैं। यहाँ पर राहुल को डिफरेंशियल में ले सकते हैं, हालांकि लास्ट में ना इनका एडवांटेज काफ़ी अच्छा रहा, चाहो तो भरोसा कर सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पर। इसके अलावा से दुर्गा कुमार ओके GL में लोगे, बाकी ललित कुमार की बात की जाए तो इनको मैं लेके जाना है। हालांकि रिसेंटली इनका फॉर्म देखो आप लोग, यहाँ पर 2 विकेट, 7 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, लेकिन लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रही, 3 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए। फर्स्ट क्लास के लिए इनका काफ़ी ज़बरदस्त रहा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, और मतलब ये इंपॉर्टेंस रहेंगे। इसके साथ यहाँ पर हरिशंकर रेड्डी की बात की जाए, पिछला टूर्नामेंट का अच्छा रहा था यहाँ पर, 3 विकेट 3 विकेट, विकेट लेस 2 विकेट और विकेट लेस, राइट आर्म मीडियम पास है। इसके साथ यहाँ पर कावरी साई तेजा को आप लोग ले सकते हैं, अभी देखो रेड्डी या साई तेजा दोनों में से किसी एक को लेना है, लेकिन साई तेजा जो है यहाँ पर ये कंसिस्टेंट पूरी ओवर्स करवाएगा, इनका कोई फिक्स नहीं कह सकते। इसके साथ अब शंभु अखिल इंपॉर्टेंस रहेंगे, लास्ट मैच के अंदर आई थिंक ये इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर थे, इसके बावजूद हमने इनको लिया था नहीं थी यहाँ से लाइनअप में ही थे शायद, लेकिन इनको लेके जाना, इनको ड्रॉप नहीं करना है, ये आपको हर मैच के अंदर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। स्टार्टिंग ओवर्स की बात की जाए तो शंभु अखिल और रेड्डी, डेथ ओवर्स में आई थिंक रेड्डी के साथ कवोरी साई तेजा ने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करवाई थी, लेकिन शंभु आ सकते हैं। इसके अलावा बेंच में से कोई खेलेगा तो इनके रिकॉर्ड इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे, आप लोग टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। अभी के लिए बात करते हैं टीम की, हमारी डेमो टीम क्या हो सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना होगा, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से रिकी भुई को लिया है, यहाँ पर आप लोग लेखज रेड्डी को ले सकते हैं, यहाँ पर इनका पूरा नाम यहाँ पर मित्ता लेखज रेड्डी, तो वही है जो कि हमने मेंशन किया था, क्योंकि काफ़ी नीचे खेलते हैं इसके लिए हमने रिस्क नहीं लिया। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर महीप कुमार है, इनके साथ M अभिनव, अभिषेक रेड्डी, और इनके साथ हमने यहाँ पर पिता अर्जुन तेंदुलकर को लिया है, जो कि लास्ट में जो ओपनिंग किए थे और ये कंटिन्यूसली ओपनिंग ही करवाएंगे। आप लोग चाहो तो ऐसे ई धरणी कुमार को भी ले सकते हैं और यहाँ पर लेखज रेड्डी को भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर ललित मोहन है, इनके साथ यहाँ पर S राशिद और गोलामरू मनीष हमारी टीम में रहेंगे, बाकी यहाँ पर आप लोग KSI राहुल को ले सकते हैं और शेख अब्दुल्ला को भी ले सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर स्टीफन आशीष और इनके साथ यहाँ पर शंभू अखिल हमारी टीम में रहेंगे। अभी देखो बात की जाए कि लास्ट मैच के अंदर जैसे मैंने बताया ये इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे थे, लेकिन इसके बावजूद लिया था हमने रिस्क इनके ऊपर। इसके साथ आप लोग यहाँ से KRaman अगर खेलते तो ये आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए, इनको हमें डेफिनेटली लेके जाना है। टीम की बात करते हैं तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कप्तान रहेंगे जी राशिद, वाइस कैप्टन से गोलामरू मनीष रहेंगे। इसके अलावा चॉइस की बात की जाए तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जरूर है, लास्ट मैच के हमने एक रिस्क यहाँ पर स्टीफन के ऊपर लिया था, लेकिन हमें वहाँ पर निराशा हासिल हुई, तो यही कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं टीम की चीज इस तरह से रहेगी। लाइनअप में कुछ चेंजेस रहेगा तो उसकी आखिरी अपडेट के साथ आखिरी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की टीम आपको टेलीग्राम में दी जाएगी, टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इसके अलावा लंका प्रीमियर लीग शुरू हो गई है और उसके मैचेस के वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर नहीं मिलेंगे, इसके लिए हमारा एक और चैनल है FDC11,
जहाँ पर आप लोग को लंका प्रीमियर लीग के वीडियो मिलेंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।